हम लोग देखेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी में ये क्वेश्चन ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में भी आ सकता है रिपर्टरी में भी आ सकता है ठीक है तो मेडिसिन मेडिसिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिसिन व्हेन अ ड्रग हैज़ बीन पोटेंटाइज होम्योपैथिकली सभी को पता है कि ड्रग क्या है ड्रग एक क्या है क्रूड सब्सटेंस है क्रूड मटेरियल है नॉन पोटेंटाइज्ड मटेरियल है कैसा मटेरियल है नॉन पोटेंटाइज्ड मटेरियल है तो जब उस ड्रग सब्सटेंस को उस ड्रग मटेरियल को रॉ मटेरियल को क्रूड मटेरियल को ड्रग को हम क्या करते हैं पोटेंटाइज करते हैं होम्योपैथिकली होम्योपैथिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक जो पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं उसे पोटेंटाइज करते हैं एंड देन क्या करते हैं प्रूव करते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग में क्या करते हैं प्रूव करते हैं हेल्दी ह्यूमन बींग में और भी कौन सी ऑल एजेस सभी प्रकार के एज में बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल में एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं प्रूव करते हैं और प्रूव करने के बाद हम क्या कर देखते हैं वो प्रोड्यूस करता है कौन हेल्दी ह्यूमन एबनॉर्मल साइन एंड एबनॉर्मल सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस कर एबनॉर्मल साइन एंड एबनॉर्मल सिम्टम जो सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं कॉल्ड मेडिसिन कॉल्ड मेडिसिन मेडिसिन एग्जैक्टली क्या है मेडिसिन वो है जिसे ड्रग जो ड्रग है उस ड्रग को लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं पोटेंटाइज करते हैं पहले इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है या पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मेडिसिन का वो क्या है उसे होम्योपैथी के लिए हमें क्या करना है पोटेंटाइज करना है तो वेन क्रूड ड्रग सॉरी ये वेन आक्रूड हैज़ बीन पोटेंटाइज होम्योपैथी के लिए मीन्स होम्योपैथिक फॉर्मोकोपिया को फॉलो करते हो पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हो पोटेंटाइज करते हैं एंड ये पहला स्टेप हो गया यह पहला पार्ट सेकेंड पार्ट क्या है जो मेडिसिन बन गई है पोटेंटाइज हो गई है उससे हेल्दी ह्यूमन बींग में हम लोग क्या करते हैं प्रूव करते हैं या उसमें हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हेल्दी ह्यूमन क्या हो सकता है ऑल एजिस का हो सकता है मेल फ़ीमेल दोनों हो सकता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है इन तीनों में हो सकता है नहीं एग्जैक्टली exactly होना ही चाहिए ऑल एजस पे मेल फ़ीमेल पे एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या करते हैं हम लोग उसे प्रूव करते हैं या उसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है जो डिफरेंट एजेस सेक्स मेल फीमेल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें वो मेडिसिन क्या करेगी एबनॉर्मल साइन एबनॉर्मल साइन एंड एबनॉर्मल सिम्टम क्या करती है प्रोड्यूस करती है एबनॉर्मल साइन एंड एबनॉर्मल सिम्टम क्या करती है प्रोड्यूस करती है ये सब प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसमें मेडिसिन में तब हम उसे क्या बोलते हैं मेडिसिन तो पहला पार्ट है पोटेंटाइजेशन वाला दूसरा है ड्रग प्रूविंग करके उसके जो सिम्टम्स हैं एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम है जो उससे कलेक्ट करना है सब्जेक्टिव हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं है, ये सब प्रॉपर्टी होगी तब हम उसे क्या बोलेंगे मेडिसिन बोलेंगे एग्जाम्पल है नक्स वॉमिका थर्टी थर्टी जो वर्ड है ये हमें बताता है कि पोटेंटाइज फॉर्म में ड्रग है तो क्योंकि करेंगे तभी तो पोटेंसी फॉर्म होगी तो ये है मेडिसिन का डेफिनेशन जो एग्ज़ाम में आता है शॉर्ट नोट्स में ठीक आगे बात करेंगे बात करेंगे जेनुन मेडिसिन जेन्युन मेडिसिन क्या होता है ये भी गोरमेंट ये भी एग्जाम में आता है जेनुइन मेडिसिन जेनुइन मेडिसिन विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फार्मास्यूटिकली फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर करते हैं अंडर गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड एंड ऑनेस्ट ऑनेस्ट फार्मासिस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जेनुइन मेडिसिन वो होती है उसे भी फार्मास्यूटिकली होम्योपैथिक जो होम्योपैथिक फार्मोकोपी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पहला क्या है अंडर गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड एंड ऑनेस्ट कौन होना चाहिए फार्मासिस्ट होना चाहिए एंड ओबेइंग मतलब फॉलो करना है एग्जैक्टली exactly हमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मोकोपिया वाकई उन होम्योपैथिक फार्मोकोपिया को एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है ठीक है ना और उसके बाद जो मेडिसिन बनेगी वो क्या कहलाएगी जेनुइन मेडिसिन कहलाएगी तो जेनुइन मेडिसिन जो है इसे फार्मासूटिकली हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन अंडर गाइडेंस ऑफ ऑनेस्ट एंड क्वालिफाइड क्या चाहिए आपको फार्मासिस्ट चाहिए एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मोकॉपिया को वाकई उसे फॉलो करना होता है और उसके बाद जो मेडिसिन बनेगी वो कौन सी होगी जेन्यन मेडिसिन होगी ठीक है आगे बात करते हैं जेन्यस ऑफ द मेडिसिन मे बी टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग सेम टू सेम टू सेम हेल्दी ह्यूमन बींग एक जैसे हेल्दी ह्यूमन में हम लोग क्या करते हैं उसे प्रूव करते हैं ड्रग प्रूव करेंगे जो तो ड्रग प्रूविंग की जो प्रोसेस है वो इस मेडिसिन से हम लोग क्या करेंगे मेडिसिन तभी बोलेंगे जब इसे हम लोग किसी हेल्दी ह्यूमन बींगे प्रूव करेंगे हेल्दी ह्यूमन बींग मतलब ऑल एज़े के हो गए बोथ सेक्सेस के हो गए डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन पे हो गए उस पर प्रूव करते हैं लेकिन लेकिन यहाँ पर क्वालिटी एक्जैक्टली exactly क्या है सेम टू सेम सेम्दी एक जैसे हेल्दी ह्यूमन बींग पे हम लोग करने की बात कर रहे हैं ड्रग को जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली exactly पे कर रहे हैं लोग सेम टू सेम हेल्दी ह्यूमन बींग पे करेंगे और उसके बाद हमको जो फाइनली जो मेडिसिन मिलेगी वो क्या कहलाएगी आपकी जेनरन मेडिसिन कहलाएगी तो जेनर मेडिसिन को बनाने के लिए क्वालिफाइड ऑनेस्ट क्या चाहिए हमें फार्मासिस्ट चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन को वाकई फॉलो करना है और एडमिनिस्ट्रेट करना है सेम टू सेम हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे एक जैसे हेल्दी ह्यूमन बीइंग क्या करना है हमें इसे प्रूव करना है ड्रग प्रूविंग की प्रोसेस उसमें करना है तब हमें जो मेडिसिन मिलेगी दैट इज़ कॉल जेनुन मेडिसिन तो जेनुइन मेडिसिन ये है एंड ये मेडिसिन है दोनों में से भी डिफरेंस है इसमें इंपॉर्टेंस दे दी क्वालिफाइड एंड ऑनेस्ट फार्मासिस्ट की ठीक है ना वाकई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है एंड सेम टू सेम हेल्दी ह्यूमन बींग पे सेम टू सेम हेल्दी ह्यूमन बींग पे क्या करना है हमें प्रूव करना है तो ये दोनों अपने एग्जाम में आते हैं शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं दो नंबर तीन नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए